सरदार अयाज सादिक साहब 199 वोट्स। शोर शराबे और नारों में नून लीग के अयाज सादिक स्पीकर कौमी असेंबली मुंतखब हलफ उठा लिया। अयाज सादिक को 199 और उनके मुकाबले में पीटीआई के हिमायती याफ्ता सुन्नी इतिहाद काउंसिल के आमिर डोगर को 91 वोट मिले। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ सरदारी, बिलावल भुट्टो सरदारी, फारूक सत्तार समेत नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों ने वोट डाले। बैरिस्टर गौहर और पीटीआई के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने भी वोटिंग में हिस्सा लिया। इस दौरान नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते रहे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ दोनों तरफ के अरकान को सब्र की तलकीन करते रहे। डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी मुकम्मल हुआ। सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने 197 वोट लिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनैद अकबर मद्दे मुकाबल थे जिन्होंने 92 वोट हासिल किए। डिप्टी स्पीकर ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। इस वक्त आपके हाउस में 23 मेंबरान की कमी है। आपने खामखा एक रूलिंग दे दी इस बात पर जो हम कह रहे हैं कि फॉर्म 45 का बंदा यहां बैठ सकता है, अगर फॉर्म 45 का नहीं है तो वो स्ट्रेंजर है, उनके पास कोई राइट नहीं है। इनके अपने लोग उनको नहीं मानते। हमारी खवातीन की सीट्स कंप्लीट नहीं है। हमारी बहन ये आलिया हमजा साहिबा, ये इस हाउस की इनका नाम है उस लिस्ट पे। हमारी बाकी खवातीन है वो इस हाउस में है ही नहीं, तो कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं ये हाउस। पीटीआई की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कौमी असेंबली में स्पीकर के इंतखाब से कबल ऐवान मुकम्मल करने और स्पीकर से इस बारे में रूलिंग देने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ऐवान में 23 मेंबरान कम हैं, पीटीआई की खवातीन अरकान ऐवान में नहीं हैं, ऐवान मुकम्मल नहीं है, ये आईनी मामला है, यहाँ फॉर्म 45 वाला बैठ सकता है। उमर अयूब बोले ऐवान में घुस बैठिए बैठे हैं, वो किस हैसियत में वोट डाल सकते हैं? असल मैंडेट का हकदार कैदी नंबर 804 है। अजनबी अरकान को वोटिंग से रोका जाए। जवाबी कार्रवाई में नून लीग के राना तनवी ने कहा कि ये लोग 2018 के धांधली ज़दा इलेक्शन की पैदावार हैं, अपनी पार्टी के मुतालिक हकीकत नहीं सुनना चाहते, इनमें हौसला नहीं। ये भी कहा कि उमर अयूब कौन सी पार्टी में नहीं गए, ये बहुत बड़े लोटे हैं। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश करेंगे। स्पीकर मंतखब होने के बाद अयाज सादिक का खिताब। कहा वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और एमकीएम के साथ साथ आमिर डोगर के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने जमहूरी अमल में हिस्सा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर ने कहा कि ये इलेक्शन नहीं ऑक्शन था, सीटों की बोलियाँ लगी, फरोख्त हुई, ये ऐवान क्या बाला दस्त बनेगा जो चोरी के मैंडेट से बना है। पीटीआई की जीती हुई नशस्तों का मैंडेट उसे वापस किया जाए। नवाज शरीफ साथ चलने की दावत लेकर मौलाना के घर पहुंच गए। JUIFA के सरबरा से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान के नवाज शरीफ से गिले शिकवे। नवाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से हुकूमत साजी में मदद की दरख्वास्त। मुलाकात के बाद राना सनाउल्ला ने कहा कि मौलाना ने और नवाज शरीफ ने कभी एक दूसरे की बात नहीं टाली, खैर की खबर आएगी, हम हमेशा मौलाना से रहनुमाई लेते रहे हैं और लेते रहेंगे। जरदारी साहब, आप मंझे हुए सियासतदान हैं, मौलाना साहब नाराज हैं, क्या उन्हें राजी कर पाएंगे? इंशाल्लाह। क्या आप मौलाना को राजी कर लेंगे? सहाफी का आसिफ अली सरदारी से सवाल। आसिफ अली सरदारी ने जवाब दिया कि वो इंशाल्लाह उन्हें मना लेंगे। पाकिस्तान की सियासत ये हुई कि जो बिकता है वो वफादार, जो ना बिके वो गद्दार। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकज़ई का कौमी असेंबली में खिताब। कहा नवाज शरीफ कहते थे कि वोट को इज्जत दो, पानी पीटिया भी अवाम की ताकत से आ गए हैं, अवाम ने एक भोंडे मंसूबे को खाक में मिला दिया। जब अवाम ने बानी पीटीआई को वोट दिया तो फिर उसको बदलना पाकिस्तान से गद्दारी है। सब तय कर लें कि सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं होगा, पाकिस्तान की दाखिली और अंदरूनी सियासत का सरचश्मा ये पार्लिमान होगा। हम पागल नहीं कि कहें कि फौज और एजेंसियां ना हों, लेकिन उनको सियासत से तौबा करना होगी। महमूद खान अचकज़ई ने यह भी कहा कि करारदाद मंजूर की जाए कि जिन जजेस ने मार्शल लॉ की हिमायत नहीं की उनको हीरो करार दिया जाए और जिन जजेस ने मार्शल लॉ की हिमायत की उनकी तनख्वाहें भी वापस ली जाए। क्योंकि ये तो आपको पता है पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स पे इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान काम है जी, अपने पसंद के लोगों को इन्होंने दे दिया है।
हालांकि एवरीबडी नोज कि मेरी कोई फेवरेट नहीं है। मैंने ये मुझे बल्कि मेरे एमपीएस की तरफ से शिकायत आई हैं कि जिन लोगों ने हमारे खिलाफ वोट दिया है उनको भी ये पैकेजेस जा रहे हैं। तो भाई जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिया है वो भी इंसान है, गरीब तो वो भी है। तो ये आपने इंश्योर करना है कि आपके हर प्रोसेस की जो है वो वीडियोस बने। मैं तो कहूँगी सीएस साहब को कि ये रोज़ इनको आप भेजें, अपने वेरिफिकेशन प्रोसेसेस की भी भेजें, जहाँ पैकेजिंग हो रही है उसकी भी भेजें, क्वालिटी चेक की भी भेजें, डोर नॉकिंग की भी भेजें, ट्रांसपोर्ट टीम्स की भी भेजें। हर रोज़ मुझे वीडियोज़ जो हैं वो आनी चाहिए। एक फिर मेरी सबको ये एक ब्लैंकेट इंस्ट्रक्शन है कि सब ने रैंडम चेकिंग करनी है। आपके तीन टीयर्स हैं चेक्स के, क्वालिटी कंट्रोल के, लेकिन मैं हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड से ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो रैंडम चेकिंग करेंगे डिस्पाइट दोज मल्टीपल लेयर्स ऑफ चेकिंग। कि आप एक एक सैंपल उठा के कहीं डब्बा खुलवा के आप देखेंगे, बैग खुलवा के देखेंगे कि बेसन की क्वालिटी क्या है, पूरी चीज़ें अगर छः चीज़ें हैं, छः आइटम्स हैं, छः की छः मौजूद हैं, अगर उनकी क्या क्वालिटी है। ये रैंडम चेकिंग आपको करनी है, इसकी रिपोर्ट भी आपको सीएस ऑफिस को भिजवानी है। नंबर थ्री, जब डिलीवरी हो रही हो तो मैं खुद भी जाऊंगी, मैं सरप्राइज विजिट्स करूंगी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के, जहां जहां मैं जा सकूंगी आपको बताए बगैर मैं आऊंगी, और आपकी जो जब डिलीवरी हो रही होगी मैं वहां पर आऊंगी चेक करने के लिए। इसी तरह आपको हर रोज मल्टीपल जगहों पर जाना चाहिए और आपको जो स्पॉट चेकिंग है डिलीवरी की वो आपको खुद चेक करना चाहिए, उसकी रिपोर्ट भी आपको ऑनेस्टली भिजवानी चाहिए विद ऑल ऑनेस्टी सीएस के ऑफिस को। हर रोज़ आपको जाना है, चाहे आप 8 जगह पे जाएं, 6 जगह पे जाएं, लेकिन आपको हर रोज़ जाके चेक करना है, क्योंकि इससे भी एक डेटरेंस क्रिएट होती है। आपकी जो टीम्स डिलीवर कर रही हैं डोर स्टेप्स पे, उनको पता होगा कि दे आर बीइंग मॉनिटर्ड। और फिर ये आपने इंश्योर करना है कि एट ऑल टाइम्स आपके साथ पुलिस, हमने कह दिया आईजी साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं कि आपको पुलिस के साथ जाना है, वरना वो जो एक स्टैम्पीड हो जाती है एट टाइम्स, या ट्रक को रोक के उसको पूरा उस पर अटैक हो जाता है, वो एक अगली साइट है, उसको अवॉइड करने के लिए प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी टीम्स के साथ हमारे पुलिस के लोग शामिल हैं।